तो चलिए भारत संग्रहालय, उसका मैंने टिकट ले लिया है और मोबाइल का भी टिकट ले लिया। मोबाइल का टिकट अलग से लगता है, अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं मोबाइल से तो उसके लिए अलग टिकट कराना पड़ता है, ये जानकारी जान लीजिए। और एंट्री का अलग से टिकट, एंट्री का 50 रुपीज़ है अडल्ट के लिए, इंडियन के लिए, और मोबाइल के लिए 60 रुपीज़। तो इधर जो ये काउंटर देख रहे हैं ना पीछे, यहाँ लगेज रखने का है, यहाँ लगेज आप रख सकते हैं, वो भी फ्री है, आपको इस तरह से टोकन दिया जाएगा, जब बाहर निकलेंगे तो आप उसे ले सकते हैं, तो इस तरह से टोकन दिया जाएगा। तो चलिए, लगेज मैंने अपना रख लिया है, अब जाते हैं अंदर। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल संदीप द ब्लॉगर। तो अभी संग्रहालय आया हूँ कोलकाता का, तो चलिए संग्रहालय घूमते हैं और वीडियोस बनाते हैं। अगर कोई ज़्यादा वीडियो बनता है तो इसको अलग से ही रखूँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सपोर्ट कीजिए मुझे और आपका सपोर्ट से ही मेरा चैनल बड़ा होगा और भी अच्छे अच्छे जगह जाने का मौका मिलेगा। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलती है। तो नीचे में एक कॉन्सर्ट हो रहा है जिससे काफ़ी शोर आएगा, अभी बंद किया हुआ है। तो चलिए अभी अंदर जाके देखते हैं म्यूज़ियम में क्या 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 चीज़ें हैं। तो दोस्तों, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1814 में इसको स्थापित किया गया था और इसे उस समय के बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी द्वारा स्थापित की गई थी। और एक बात, जो टिकट मैंने वीडियोग्राफी के लिए ली थी वो वीडियोग्राफी के लिए नहीं थी बल्कि फोटोग्राफी के लिए थी। जब मैं वीडियोग्राफी कर रहा था तो एक गार्ड ने मुझे रोक लिया और उसके बाद मुझे वीडियोग्राफी करने नहीं दिया। तो यार, इन पेंटिंग को देख सकते हैं, बहुत ही पुराने पेंटिंग्स है और काफ़ी कीमती पेंटिंग होगी, मतलब कीमती इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी, फिर भी चोरी छुपे मैंने बहुत सारे वीडियो की और वो सारा वीडियो देखिए